वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ही आप लोगों को बताने वाली हूँ टैन रिमूवल पैक, फेस बॉडी पूरा बॉडी के ऊपर टैनिंग को हटा के आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने का, टैन को हटा के स्किन को क्लीन क्लियर ग्लोइंग रखने का सिंपल घरेलू तरीका बताने वाली हूँ। ये वीडियो काफी इफेक्टिव है। ये आपका पुराने से पुराने कालापन, धूल मिट्टी डस्ट को रिमूव करके आपका बॉडी को क्लीन करता है, क्लियर करता है, डीपली क्लेंस करता है। इससे आपका स्किन पे डेड स्किन सेल्स भी रिमूव होगा, आपका स्किन पे स्पॉट्स पिगमेंटेशन भी रिमूव हो जाएंगे, आपका स्किन क्लीन क्लियर हेल्दी होगा। क्लीन क्लियर हेल्दी स्पॉटलेस स्किन के लिए इस रेमेडी को आप आपका घर में ट्राई कीजिए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको जल्दी से मिल जाती है। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इस रेमेडी के लिए आपको लेना चाहिए योगर्ट, दही। मैं यहाँ पे हाफ कप दही ले रही हूँ। फेस और बॉडी के लिए इतना क्वांटिटी काफी है दही में। अगर आप चाहिए तो आप 1 कप दही भी ऐड कर सकते हैं। सो आप मेनली लेना है योगर्ट, दही। दही में ऐड करना है, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नीम लीफ पाउडर, क्योंकि नीम लीफ पाउडर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रहता है। ये आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन पर बैक्टीरिया को भी दूर करके आपका स्किन को हेल्दी बना देता है। दूसरी इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हल्दी। मैं यहाँ पे घर का हल्दी ले रही हूँ। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑरेंज पील पाउडर। और फाइनली इसमें आप रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये पैक काफी इफेक्टिव है और सेफ भी है। इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, आपका स्किन हेल्दी और रेडियंट बन जाता है। ये पैक हर कोई यूज कर सकते हैं, इससे स्किन हेल्दी और ब्राइटन हो जाएगा। चेहरा पूरा बॉडी पे लगा लीजिए, और अगर आपके अंडरआर्म्स की कालापन है, डार्कनेस की कालापन है, तो आप उस एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे अंडरआर्म्स की कालापन, पिगमेंटेशन, डार्कनेस रिमूव होगा, आपका स्किन लाइटन और ब्राइटन होगा। ये टैनिंग को हटाता है, आपका स्किन को हेल्दी रेडियंट बना देते हैं। इस पैक को अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स होना है। जब पैक इतना अच्छे से मिक्स होगा तभी इसका रिजल्ट इफेक्टिवली आ जाएगा। मैं अभी हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मेक श्योर आप स्किन के ऊपर अप्लाई करने के पहले आपका स्किन को वॉश करना चाहिए, क्लीनली वॉश करके आप अप्लाई करना है, तभी आपको डबल इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये पैक काफी इफेक्टिव है और सेफ भी है। इससे स्किन पे डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, आपका स्किन हेल्दी और ब्राइटन बन जाता है। ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है और ऑल सीजन में ये बेस्ट है, और समर में ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि समर में ज्यादा टैनिंग हो जाती है और स्किन कॉम्प्लेक्शन पे स्किन का डार्कनेस भी ज्यादा बढ़ेगा और टैनिंग भी होगा। धूल मिट्टी डस्ट की वजह से आपका स्किन का कलर चेंज हो जाता है और आपका स्किन ड्राई हो जाती है। और इसमें है दही, ये आपका स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाता है, आपका स्किन को हाइड्रेट और नॉरिशिंग रखता है, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, टैनिंग को भी दूर करके आपका स्किन को हेल्दी रेडियंट बना देता है। ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, हर कोई यूज कर सकते हैं, 100% सेफ इफेक्टिव है। इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, आपका स्किन हेल्दी और रेडियंट बन जाता है। अगर आपके डार्क एल्बोस, डार्कनेस की प्रॉब्लम है तो आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। डार्कनेस, डार्क एल्बोस की प्रॉब्लम भी कम होगा, आपका स्किन भी हेल्दी रेडियंट हो जाता है। ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, सो जरूर ट्राई कीजिए। इससे आपका स्किन हेल्दी होगा, टैन फ्री होगा, धूल मिट्टी गंदगी रिमूव होगा, आपका स्किन ब्राइटन बन जाएगा। इसको मैं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। फेस पे अप्लाई करने के पहले मेक श्योर आपका फेस को फेस वॉश या क्लेंजर से अच्छी तरह वॉश करके फेस को ड्राई रखना है, ड्राई कर लेना है। ड्राई फेस पे इसको अप्लाई करना है, अंडर एरिया छोड़ के पूरा फेस नेक पे अप्लाई कीजिए। इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, आपका स्किन हेल्दी रेडियंट बन जाएगा। ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, हर कोई यूज कर सकते हैं, 100% सेफ इफेक्टिव है। इसमें है नीम लीफ पाउडर, ये आपके चेहरे पे कालापन टैनिंग को दूर करता है, बैक्टीरिया को रिमूव करके चेहरे पे पिंपल एक्ने स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, आपका स्किन को हेल्दी और रेडियंट बना देगा। ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। और दही आपका स्किन को नॉरिश करता है, टैन को रिमूव करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। हेल्दी स्पॉटलेस ग्लोइंग स्किन के लिए ये पैक काफी इफेक्टिव है और सेफ भी है। इसमें अंदर है हल्दी, ये हल्दी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रहता है, आपका स्किन का बैक्टीरिया को रिमूव करके आपका स्किन को क्लीन क्लियर करता है, और स्पॉट्स को रिड्यूस करके, डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन को रिड्यूस करके आपका स्किन को ब्राइटन अप करता है।
तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स घरेलू इंग्रेडिएंट्स है और नेचुरल और सेफ इंग्रेडिएंट्स है। आप घर बैठे बैठे आपका स्किन का टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके। सो जरूर ट्राई कीजिए इस पैक को, चेहरे के ऊपर बॉडी के ऊपर अप्लाई करने के बाद 10-15 मिनट तक एक कम्प्लीटली ऑब्जर्व होने के लिए रख दीजिए। इसके बाद आपका स्किन को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। अगर आप फेस वॉश यूज करना है तो आप 1 से आधे घंटे का गैप देके यूज कर सकते हैं। इमिडिएटली फेस वॉश से फेस वॉश मत करना है, ऐसे करके देखिए आपका स्किन हेल्दी होगा, रेडियंट होगा, स्किन कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होगा, आपका स्किन ब्राइटन अप होता है। ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, हर कोई यूज कर सकते हैं, 100% सेफ इफेक्टिव है। प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक।